नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है शहर शहर खबर का। इस खास बुलेटिन में तेज रफ्तार और पूरे विस्तार के साथ हम आपको आपके शहर आपके कस्बे की खबर दिखाएंगे। इस खास बुलेटिन में सिर्फ महानगर ही नहीं बल्कि छोटे बड़े हर शहर की खबरें और उसका पूरा अपडेट आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अग्निपथ योजना पर पूरे देश में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। बिहार के समस्तीपुर में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में ही आग लगा दी है। तो आप देखिए समस्तीपुर में ट्रेन में आग लगा दी गई है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अग्निपथ योजना का जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आक्रोश देखने को मिल रहा है छात्रों का। छात्र तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर और ऐसे में अपना विरोध जताते हुए जहां छात्र पहले सिर्फ ट्रैक पर लेटे नजर आ रहे थे वहीं छात्र अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नजर भी आ रहे हैं। किस तरीके से इस ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बना दिया गया है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। समस्तीपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदेश के नंबर वन चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कि किस तरीके से समस्तीपुर में ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बनाया गया। ट्रेन में आग लगा दी गई। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उधर बलिया में भी अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। यहां पर सुबह के कुछ प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए जहां पर उन्होंने ट्रेनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मौके पर लाठीचार्ज शुरू किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तस्वीरें आपके सामने, जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है और छात्र सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो छात्र निशाना बना रहे हैं वो रेलवे स्टेशन को निशाना बना रहे हैं। या तो ट्रेन रोकने का काम करें या फिर ट्रेन में आग लगाने का। रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे परंतु उनको जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास। और प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है, टाला हिंसा से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर। आपको बताया उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज हुआ एक और मुकदमा। स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए कैमरे में तोड़फोड़ का आरोप लगा है। बरेली पुलिस ने अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तोड़े गए सीसीटीवी कैमरे की कीमत करीब 6.5 लाख रुपए है। उपद्रवियों से ही तोड़े गए कैमरों का खर्च वसूला जाएगा। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। एक और मुकदमा दर्ज किया गया है चूंकि स्मार्ट सिटी के तहत जो कैमरा लगाया गया था उस कैमरे में भी तोड़फोड़ की गई है और ऐसे में नुकसान हुआ है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर प्रदेश में कोई भी दंगा भड़काने की कोशिश करेगा या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसकी जो पूरी वसूली है उस दंगाई से ही की जाएगी। ऐसे में उपद्रवियों ने जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो ऐसे में उपद्रवियों से ही अब सीधे तौर पर भरपाई की जाएगी। मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके थे कि अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है कोई उपद्रवी तो उसी से वसूली की जाएगी और वो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? देखिए निश्चित तौर पर प्रयागराज पुलिस ने हिंसा मामले में जिस तरीके से अलग अलग मामले दर्ज किए हैं चाहे पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ के हो या फिर सरकारी संपत्तियों में शामिल सीसीटीवी कैमरे जो स्मार्ट सिटी के तहत चौराहों पर लगाए गए हैं
उनमें जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है उसका भी मुकदमा प्रयागराज पुलिस ने दर्ज किया है और इसकी जो अनुमानित कीमत है करीब 6.5 लाख रुपए बताई गई है। अब ये माना जा रहा है कि इसका जो आंकलन हो गया है, जो जितने का नुकसान हुआ है, इन्हीं उपद्रवियों से इसकी भरपाई की जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के दावा प्राधिकरण पहले से ही गठन है तमाम जिलों में। लिहाजा जो भी क्षति और जो भी नुकसान हुआ है सरकारी संपत्तियों को, उसकी जो भरपाई है यही उपद्रवी करेंगे और उनको बाकायदा नोटिस भेजे जाने की जो प्रक्रिया होती है वो की जाएगी, उसके बाद उनसे इसकी भरपाई और वसूली की जाएगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन्होंने हिंसा फैलाई है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है इस तोड़फोड़ के मामले में। देखिए अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में जो मुकदमा है वो करीब 200 ऐसे हैं जो चिन्हित हो गए हैं यानी नामजद हो गए हैं, 5000 से अधिक उपद्रवी ऐसे हैं जो अज्ञात हैं, 3 अलग अलग FIR दर्ज है। प्रयागराज के खुल्लाबाद थाने में 2 मुकदमा दर्ज है। ठीक, चलिए, प्रयागराज से हमारे साथ गुफरान जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। इस बीच कानपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है, बेकिनगंज हिंसा से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। मास्टरमाइंड हयात ने सरकार को लाखों का चूना लगाया है। SIT जांच में हयात जफर हाशमी की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। 15 संपत्तियों की खरीद में हयात ने लाखों की स्टैंप चोरी की है। बीते 4 सालों में हयात ने करीब 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी थी। करीबियों से खरीद फरोख्त दिखाकर लाखों की स्टैंप चोरी की। SIT की रिपोर्ट पर पुलिस ने निबंधन कार्यालय भेजी है सूची। अब तक 20 लाख रुपए की स्टैंप चोरी के सबूत सामने आए हैं। तो किस तरीके से कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड सरकार को एक लंबे अरसे से लगभग 4 सालों से चूना लगाता नजर आ रहा है वो भी अब खुलासा हो गया है। उधर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेकर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मास्टरमाइंड हयात ने पुलिस रिमांड के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। हिंसा भड़काने के लिए चमनगंज में बुलाई गई थी शातिर अपराधियों की पंचायत। पंचायत में शातिरों को पथराव, बमबाजी और बवाल के लिए टिप्स दिए गए थे। पंचायत में पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी, आसिफ भी शामिल थे। SIT निजाम और आसिफ को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। बवाल के बाद फरार छात्रों की तलाश और भी तेज हो गई है। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से यह बड़ा खुलासा हुआ है, साफ एक बार फिर से जाहिर हो रहा है कि सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था और सोच समझ कर प्रदेश का माहौल खराब करने की, दंगा भड़काने की जो है वो साजिश हुई। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से पहले से सब कुछ प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत ही ये पूरी योजना बनाई गई थी। आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं कि हम बेकनगंज में ही मौजूद हैं और यहाँ पर चूंकि आज जुमे की नमाज को लेकर विशेष जो तैयारियाँ हैं वो कर ली गई हैं। इसके साथ साथ आपको हम तस्वीरें दिखा दें कि जो एक्स्ट्रा कैमरेज हैं वो भी लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चौराहों पर जो है विशेष कैमरे लगाए गए हैं और इसके साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। अपना कैमरा सही चाहिए कि हम थोड़ा तस्वीर जो है वो आगे दिखाएं, क्योंकि देखिए इसी जगह पर जो है पूरी हिंसा हुई, उपद्रव हुआ था, तो ऐसे में उस उपद्रव के बाद यहाँ पर आज जो है विशेष तैयारी, विशेष सतर्कता रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि हयात ने स्टैम्प चोरी जो है वो की थी। इसके साथ ही साथ सरकार को जो है लाखों रुपये का चूना लगाया था और जो उसके जो सबूत हैं वो भी मिल गए हैं। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये बात निकल के आ रही थी कि ये प्लानिंग कहाँ हुई थी, तो उस प्लानिंग के बारे में आपको बता देते हैं कि शहर में दंगा भड़काने के लिए चमनगंज में बुलाई गई थी अपराधियों की बैठक और उस पंचायत में ही छात्रों को पथराव, बमबाजी और बवाल करने के टिप दिए गए थे। पंचायत में ही पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी और आसिफ भी शामिल हुए थे। अब SIT जो है जल्द ही निजाम और आसिफ को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। आपको हम तस्वीरें दिखा दें कि देखिए आप थाना बेकनगंज की ये तस्वीरें हैं। उसके साथ साथ आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए ये जो यहाँ पर ड्रोन कैमरा है, देखिए आपको तस्वीर दिखा दें कि ड्रोन कैमरे से जो है नज़र रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी विशाल कि पंचायत रखी गई थी और पंचायत के जरिए सब कुछ पहले से तय किया गया था कि कैसे जो है वो ये अपराधी बड़े षड्यंत्र को अंजाम देंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर पहले बता दें, बेकनगंज हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, मास्टरमाइंड हयात ने सरकार को लाखों का चूना लगाया है। SIT जांच में हयात जफर हाशमी की संपत्तियों का खुलासा हुआ है।
15 संपत्तियों की खरीद में हयात ने लाखों की स्टैंप चोरी की है। 20 लाख रुपए की लगभग ये स्टैंप चोरी की बात निकलकर सामने आ रही है और ये हाल फिलहाल में चूना नहीं लगाया है हयात ने। लगभग बीते चार सालों से हयात जफर हाशमी सरकार को चूना लगाता आ रहा है। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, किस तरीके से हाशमी 4 साल से सरकार को चूना लगा रहा था, लाखों की स्टैंप चोरी कर रहा था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर स्टैम्प की जो चोरी है वो करते हुए नजर आता हयात, और आप देखिए तमाम जो जांच है वो करने के बाद ये बात जो है निकल के सामने आ रही है, और यही वजह है कि अब हयात के तमाम कनेक्शन जो है वो खंगाले जा रहे हैं। बीच में आपको तस्वीरें दिखा रहा था तो बेकनगंज में मैं मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन से जो नज़र है वो रखी जा रही है, पूरी टीम जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और आप देख सकते हैं कि पल पल की जो निगरानी है वो की जा रही है। देख सकते हैं आप कि जो छत है उनको पूरा देखा जा रहा है, इसके साथ ही पूरे एरिया को जो है देखा जा रहा है। तो ये जो पूरी टीम है ये पूरी निगरानी करने के लिए लगाई गई है, क्योंकि 3 तारीख को अगर हम बात करें तो 3 तारीख की हिंसा के बाद 10 तारीख को जो प्रयागराज में हुई थी तो उसके बाद DGP मुख्यालय की तरफ से जो है विशेष इंतजाम करने के लिए कहे गए थे। तो ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो पूरी टीम है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। इसके साथ ही साथ पूरे इलाकों में अलग अलग जगहों पर जो है कैमरेज जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो बैरिकेडिंग्स हैं उनको भी किया जाएगा, क्योंकि देखिए जो गलियाँ हैं वहाँ पर विशेष तौर पर जो है निगरानी करने के लिए कहा गया, क्योंकि ज़्यादातर उपद्रवी जो होते हैं वो गलियों से ही पूरे जो है इस तरह घटना को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही अलग से कैमरे लगाए गए हैं। तो और आप जो जानकारी हम दे रहे हैं कि स्टैम्प चोरी को लेकर भी एक बड़ा जो अपडेट है वो यही है कि स्टैम्प चोरी किया गया था, उसको लेकर बाकायदा मिली भगत थे अधिकारियों की, तो उन सबके साथ जितने लोग इन्वॉल्व थे उन सबको चिन्हित किया जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता ये है कि आज जो जुमे की नमाज है वो शांति से पूर्ण तरीके से निकल जाए, फिलहाल ये प्राथमिकता है। चले विशाल, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। विशाल हमारे सहयोगी पूर्ण जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और अब आज का दिन शांतिपूर्ण तरीके से निकले, प्रशासन के इस पर निगरानी। कानपुर हिंसा मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि हिंसा फैलाने के लिए बाबर ने हथियार सप्लाई किए। बाबर को ख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा बताया जा रहा है, वो कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटा है। बाबर विदेशी हथियारों की तस्करी में जेल भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक SIT की जांच में कई अहम सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा D2 गैंग का मेंबर अफजल भी पुलिस के रडार पर है। उधर UP में हिंसा के बाद गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। अब तक 356 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज सुबह 7 बजे तक 357 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिसमें फिरोजाबाद में 20, अम्बेडकर नगर में 41, मुरादाबाद में 40, सहारनपुर में 85, प्रयागराज में 97, हाथरस में 55 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा अलीगढ़ में 6, लखीमपुर खीरी में 8, जालौन में 5 अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। शहर शहर बाबा का बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। नोएडा की सेक्टर 135 के डूब क्षेत्र में प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज भी बुलडोजर ने कई अवैध फार्म हाउस गिराए। जिस तरीके से फार्म हाउसेस बने हुए थे जो आप टूट रहे हैं, और आपको ये भी बता दूं कि इसमें ही नहीं बल्कि कई फार्म हाउस के एसोसिएशन ने कोर्ट में जाकर के हाई कोर्ट में इसके लिए स्टे का ऑर्डर भी लेने की कोशिश की थी, जिस पर यमुना और इधर उधर के दोनों तरफ के जो डूब क्षेत्र हैं वहाँ पर उनको पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब ये प्राधिकरण का देखिए किस तरीके से दरवाजे और तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, यानी प्राधिकरण पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लगातार ये 4थी कार्रवाई है। उधर फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के मडौली गांव में समाजवादी पार्टी के नेता सदाशिव यादव के स्कूल में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की थी, जिसमें बताया गया था कि जनता इंटर कॉलेज का एक हिस्सा आबादी की जमीन पर बना है। ग्रामीणों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। कुछ दिनों पहले कोर्ट ने आबादी की जमीन को खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत स्थानीय प्रशासन ने मंडौली गांव पहुंचकर अवैध तरीके से बनाए गए स्कूल के एक हिस्से को एक पल में बुलडोजर से गिरा दिया। यूपी में उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर का कहर जारी रहेगा। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गईं। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने
जहां इस कार्रवाई को सही ठहराया है, वहीं याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से हालिया अतिक्रमण अभियान को लेकर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कार्रवाई नियम के अनुसार ही चलनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, प्रयागराज और कानपुर विकास अथॉरिटी से इस मामले में 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए। अब इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता के अभियान रोकने की मांग को नहीं माना। हालांकि पथराव के आरोपियों के घरों को ढहाने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने बताया कि घर गिराने की वजह ये बताई गई है कि हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बार बार होती है। ये चौंकाने वाला और भयावह है। ये आपातकाल के दौरान नहीं था। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक गिराए गए घर 20 साल से ज्यादा पुराने हैं और कभी कभी ये आरोपी के नहीं बल्कि उनके बुजुर्ग माता पिता के भी होते हैं। वहीं सरकारी वकील ने इस पर तर्क दिया कि यूपी सरकार की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था, किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं हुई, सरकार किसी खास समुदाय को टारगेट नहीं कर रही। और अब मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी फहीम उर्फ एटीएम गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक 5 मई को पेशी के दौरान यह चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद जगह जगह पुलिस दबिश दे रही थी। फहीम पर 2 दर्जन से ज्यादा हत्या और लूट के केस दर्ज है। और इसको गोली लेके फिर अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया है। इस पर 1 लाख रुपये का इनाम वो एडीजी महोदय द्वारा दिया गया और करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं कोर्ट के, जिसमें हत्या लूट डकैती। लखनऊ में गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। घटना गुंडवा थाने की है, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस के इन गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 सिपाही घायल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सभी बदमाशों को धर दबोचा। इनके पास से 4 गाय भी बरामद हुई है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का सरकार पर प्रहार जारी। सपा विधायक ने कहा है कि अगर लोकतंत्र की हिफाजत नहीं करोगे तो जालिम इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको सांस नहीं लेने देगा। आजम खान ने भरी सभा में कहा, क्या उस वक्त हमारी कदर की जाएगी जब हम जैसे लोगों का भगत सिंह जैसा अंजाम होगा। कि अगर लोकतंत्र की हिफाजत नहीं करोगे तो जालिम इतना ताकतवर हो जाएगा कि आपको सांस लेने तक नहीं देगा। क्या उसी वक्त हमारी कदर आएगी जब हम जैसे लोगों का भगत सिंह जैसा अंजाम होगा। आजमगढ़ सीट से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आजम खान और मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को बेवजह परेशान कर रही है, जिसका जवाब आजमगढ़ के लोग अपने वोट से देंगे और 2024 के चुनाव की रूपरेखा तय कर देंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर की जीत मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेगी। जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी के लोग हमले कर रहे हैं, जिस तरीके के षड्यंत्र कर रहे हैं, जिस तरीके से आदरणीय आजम साहब से लेके अगर बगल में चले जाए मऊ में अंसारी जी के परिवार से लेके जिस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम आजमगढ़ के लोगों आपको इस मौके पे करना है साथियों। इलाके के कांक्षी राम कॉलोनी के पास अचानक से आग लग गई। देर रात अचानक झाड़ियों में लगी आग विकराल रूप लेने लगी। इससे पहले कि आग आसपास की आबादी को चपेट में लेती, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अग्निशमन विभाग के मुताबिक कांक्षी राम कॉलोनी के पास कब्रिस्तान में आग की सूचना पर पहुंची गाड़ी ने थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया। तो देर रात झाड़ियों में आग लगी। गनीमत रही कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया गया। जैसे ही
दमकल विभाग को इस बाबत सूचना मिली। दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। रायबरेली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मिल एरिया में झाड़ियों में देर रात अचानक से आग लग गई। गाजियाबाद में हल्की ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल था, लेकिन अब बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है।